नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त बड़ी खबर का है और आज हम सबसे पहले बात पहाड़ से मैदान तक बाढ़ और बारिश की करेंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बाढ़ और बारिश के कहर की 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। पहली तस्वीर महाराजगंज की है। यहाँ पर लगातार हो रही बारिश से बकुलडीहा ग्राम सभा को जोड़ने वाले मुख्य सड़क पर बना हुआ पुल पानी में बह गया। दूसरी तस्वीर गोंडा की है। यहाँ पर सरयू नदी का कहर बरप रहा है, जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। आपके स्क्रीन पर जो तीसरी तस्वीर है वो सिद्धार्थनगर की है। यहाँ पर डुमरियागंज नगर पंचायत में चारों ओर पानी भरा हुआ है, घर से लेकर दुकान और सीओ दफ्तर तक पानी में डूब चुका है। चौथी तस्वीर लक्सर की है, जहाँ पर नीलधारा, गंगा और सोनाली नदी का जलस्तर बढ़ गया और इससे यहाँ पर कई जगहों पर बाढ़ से आ गई। पांचवी तस्वीर हरिद्वार की है, यहाँ पर रवासन नदी ने कोहराम मचा रखा है। और एक बड़ी खबर, कोरोना टीकाकरण के मामले में उत्तर प्रदेश मानो हर दिन रिकॉर्ड बना रहा है। प्रदेश भाजपा की ओर से जो ट्वीट करके जानकारी दी गई है उसके मुताबिक यूपी 7 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश की भाजपा की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें लिखा गया है कि 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। कुशल प्रबंधन से कोरोना नियंत्रण कर इतिहास रच रही है योगी सरकार। यह ट्वीट है उत्तर प्रदेश भाजपा का ऑफिशियल ट्वीट। 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। एक दिन में कल 28 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। यूपी बीजेपी का जो ट्वीट है वो हम आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। कुशल प्रबंधन से कोरोना नियंत्रण कर इतिहास रच रही योगी सरकार। ये ट्वीट है बीजेपी यूपी का ऑफिशियल ट्वीट, उनके हैंडल से आपकी स्क्रीन पर। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। अनुभव, यूपी बीजेपी का ट्वीट, इन आंकड़ों को कितना ऑथेंटिक माना जाए, सरकार के क्या आंकड़े हैं? देखिए, कल जिस तरीके से पूरे देश में नया रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई, उसमें अगर हम देखें तो 1/4 से ज्यादा वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगाई गई और सरकार के जो आंकड़े उसके मुताबिक 30 मिलियन यानी 30 लाख जो टीके हैं वो लगाया गया उत्तर प्रदेश में एक दिन में। तो ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है और 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो तकरीबन अगर उत्तर प्रदेश की 80+ की आबादी की बात करें तो 45 से 50% आबादी को सिंगल डोज मिल चुकी है। तो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है और लगातार सरकार का फोकस बना हुआ है कि कैसे वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है इसे बहुत तेजी के साथ चलाया जाए। और आज बीजेपी ने जो ट्वीट किया है, जाहिर सी बात है कि तमाम सारी जो उपलब्धियां हैं सरकार की एक एक करके बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल पर सारी चीजों को शेयर करती है। और जब इतना बड़ा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव उत्तर प्रदेश में चलाया गया, 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अब तक लगाई जा चुकी है, तो वो ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं लोगों को बताने की पार्टी की कोशिश। बिल्कुल ठीक बात है अनुभव, ये बताने की कोशिश कि उत्तर प्रदेश की सरकार टीकाकरण को लेकर कितनी गंभीर है। बहुत धन्यवाद आपका। और लगातार हो रही बारिश और बाढ़ का कहर महाराजगंज में भी दिखाई दिया। यहां पर बकुलडीहा ग्राम सभा क्षेत्र को जोड़ने वाले रास्ते पर बना पुल बाढ़ के पानी में बह गया। टीवी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखकर कोई भी दहशत से भर जाएगा। ये देखिए आप, 3 दिनों से नेपाल और भारत के तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार भारी बारिश से पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। जिले के कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं और कई गांव में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। मुख्य रास्ता बंद होने से कई गांव का संपर्क तहसील और जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट चुका है और इससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई। एक्सक्लूसिव आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। वहीं गोंडा में सरयू नदी का कहर जारी है। सरयू यहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, इससे बाढ़ के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। बांध और कटान की निगरानी के लिए बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। सरयू की सहायक नदियां भी उफान पर हैं। टेढ़ी नदी में जलस्तर बढ़ने से गोंडा कटरा मार्ग पर बने चंदवतपुर पुल और सड़क पर पानी भरा हुआ है। तस्वीरें गोंडा की आपकी स्क्रीन पर, सरयू नदी उफान पर।
और श्रावस्ती में राप्ती में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से हाहाकार मचा हुआ है। कई गांव राप्ती के पानी से जलमग्न है, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं अगर सड़कों की बात की जाए तो जिले की एक दर्जन सड़कों पर राप्ती का पानी चल रहा है। लोग अपनी जान पर खेलकर सड़क को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। राप्ती के तट पर बसे लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि राप्ती का पानी गांव के साथ साथ उनके घरों में भी घुस चुका है और इससे गांव वासियों का घरों में रहना मुहाल हो गया है। लोग पलायन कर रहे हैं, गांव छोड़ने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। तीन तस्वीरें और सिद्धार्थनगर की राप्ती नदी उफान पर है। यहां पर डुमरियागंज नगर पंचायत में घरों से लेकर दुकानों और दफ्तरों में पानी घुसा हुआ है। यहां पर नगर पंचायत के 5 से ज्यादा वार्ड्स में जल भराव की स्थिति है। मुख्य चौराहे पर पानी भरने से कई दुकानों में पानी घुसा हुआ है। यहां पर सीओ दफ्तर भी पानी पानी नजर आ रहा है। सड़क, घर, दुकान, हर जगह पानी। डुमरियागंज तहसील जो है वहां की स्थिति आप देख लीजिए, सीओ दफ्तर भी पानी पानी। इधर हल्द्वानी में बारिश की वजह से लालकुआं में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से कई ट्रेनों का संचालन ठप हो गया है। इसका सबसे ज्यादा असर काशीपुर से बरेली को जाने वाले रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। रेलवे ट्रैक पर पानी आ जाने से सिग्नल ट्रैक भी प्रभावित हो गए। स्टेशन अधीक्षक का कहना है कि पानी कम होने के बाद लाइनों के निरीक्षण के बाद ट्रेनों का संचालन किया जाएगा और फिलहाल ट्रेनों का संचालन बंद होने से यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी की ट्रैक लाइन नंबर 7, 8, 9, 10 के ऊपर जो है 7-8 इंच पानी बढ़ रहा था काफी फोर्स में, इस चलते गाड़ियां प्रभावित हो रही हैं। 53-35 जो है आउटसाइड खड़ी है, अभी भी गुल्लरपुर साइड पुलिया के नीचे 1 फीट पानी बढ़ रहा है। जब तक पानी कम ना होगा और ट्रैक फिट मिलेगा उसके बाद ही गाड़ी के रिस्ट्रक्शन होगा। वही हरिद्वार में रवासन नदी भी उफान पर बह रही है। रवासन नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी राजा जी पार्क के आसपास के इलाकों में जा घुसा। इस वजह से इन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गैंडी खाता इलाके में बड़ी संख्या में वन गुर्जर रहते हैं और ऐसे में पानी भरने से इनकी मुश्किल बढ़ती है। इधर पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से लक्सर में नीलधारा गंगा उफान पर है। इस वजह से जिले के मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लक्सर में भी प्रशासन ने नदी के किनारों पर अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रामीणों से कहा गया है कि वो अगले कुछ रोज नदी के किनारों से दूर रहें। नीलधारा गंगा उफान पर नदी के किनारों पर अलर्ट जारी किया गया है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वो नदी के किनारों से दूर रहें। तस्वीरें देख लीजिए आप, भयावह दहशत में ला देने वाली तस्वीरें। इधर धारचूला में तवाघाट नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड रुक नहीं रही है। इसी दौरान मल्ली बाजार के घरों के अंदर मलबा घुसा हुआ है, साथ ही जल भराव की भी स्थिति बन गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर किस तरह से बारिश का पानी, लोगों के घरों के अंदर बारिश का पानी और मलबा घुसा हुआ है और लोग उसे साफ कर रहे हैं। देख लीजिए आप धारचूला की तस्वीरें, घरों के अंदर बारिश का पानी और मलबा, और देखिए लोग कैसे उसकी सफाई कर रहे हैं। इधर बलरामपुर में राप्ती नदी चेतावनी बिंदु से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सदर तहसील क्षेत्र में विधायक पलटूराम बाइक से गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनकर राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। करीब 150 गांव राप्ती के पानी से घिरे हुए हैं। 24 गांव में पानी 3 से 4 फीट तक बढ़ चुका है। किनारे पर बसे एक दर्जन से ज्यादा गांव में राप्ती नदी कटान कर रही और अब तक किसानों के सैकड़ों हेक्टेयर खेत और फसल नदी में समा चुके हैं। गांव के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। रास्तों पर ज्यादा पानी का बहाव होने के कारण आवाजाही बंद हो चुकी है। हुआ काम बिल्कुल युद्ध स्तर पर जारी है, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने इस राप्ती नदी के नाम पर यहाँ के लोगों के जनजीवन को बचाने का काम नहीं किया बल्कि अपना पेट भरने का काम किया। जो सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, अब जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है तो उस समय यह कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और ईश्वर चाहेंगे तो इस क्षेत्रवासियों को बहुत जल्दी राप्ती के कटान से निजात मिलेगा, जैसा मोदी जी और योगी जी का संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
इधर देश में एक और कोरोना की तीसरी लहर जल्द शुरू होने की आशंका जताई जा रही है और दूसरी ओर वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण न करवा पाने वाले लोग परेशान। संगम नगरी प्रयागराज में दो केंद्रों पर वैक्सीन लूट का मामला सामने आया जो शुक्रवार के मेगा वैक्सीन कैंपेन के दौरान हुआ। जब लोगों को लगने लगा कि वैक्सीन की डोज खत्म हो सकती है तो वैक्सीन केंद्र पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में मेगा टीकाकरण कैंप आयोजित किए थे। इस दौरान संगम नगरी प्रयागराज में 325 सेंटर्स पर तकरीबन 75,000 लोगों का टीकाकरण किया गया था। अभियान में प्रयागराज राजधानी लखनऊ के बाद दूसरे नंबर पर था। हालांकि इस दौरान यहाँ कई सेंटर्स पर अव्यवस्था देखने को मिली थी, कई सेंटर्स पर जमकर हंगामा भी हुआ था। प्रयागराज के गंगापार इलाके के धनुपुर और सैदाबाद सेंटर्स पर तो इस कदर हंगामा हुआ था कि जो अराजक तत्व थे वो टीका लगने में देरी होने पर वैक्सीन की वॉयल अपने साथ ले गए थे। सैदाबाद सेंटर से 11 वॉयल जबरन उठा लोग ले गए थे, जबकि धनुपुर सेंटर से 34 वॉयल लोग उठा ले गए थे। इस दौरान तकरीबन 35 वॉयल जो है वो जबरन लोग उठा ले गए, वो गायब मिले और इस 35 वॉल से 350 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती थी। अगर पैसों के हिसाब से बात करें तो तकरीबन 2.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। और जो सरकारी अमला है साफ कहा जा सकता है कि उसकी आपसी लापरवाही या आपसी खींचतान की वजह से इस तरीके की घटना हुई है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग प्रशासन और पुलिस में किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। चूंकि सीसीटीवी फुटेज नहीं थे इसलिए अभी तक लोगों की पहचान भी नहीं की जा सकी है, लेकिन अफसरों का यह दावा जरूर है कि गड़बड़ी करने वालों को और वैक्सीन की वॉयल उठा ले जाने वाले लोगों की पहचान की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेगा वैक्सीनेशन के कैंप के दौरान इस तरीके की लापरवाही, इस तरीके की घटना सरकारी अमले की कार्यप्रणाली पर जरूर सवालिया निशान खड़े करती है। कैमरा मैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। इधर बरेली में नगर निगम की बोर्ड की बैठक में एक बार फिर पार्षदों का हंगामा दिखाई दिया और हंगामा बढ़ता देखकर भारी संख्या में पुलिस को वहां पर बुला लिया गया। दरअसल नगर निगम बोर्ड की बैठक हो रही थी, इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। इसी बीच भाजपा पार्षद विपुल लाला ने तहमत पहनकर बोर्ड की बैठक में प्रदर्शन किया। इसके बाद मेयर ने अपने गनर को बुला लिया और आरोप यह है कि मेयर के गनर ने पार्षद विपुल लाला के साथ मारपीट की। उनके बचाव में जो भी पार्षद आया उनके साथ भी हाथापाई की गई। इसके बाद पार्षदों ने वहां पर जमकर हंगामा किया। इधर मेरठ में दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने वार्ड नंबर 80 के पार्षद जुबैर अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी। जुबैर अंसारी पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे, AIMIM से जुड़े थे। ताबड़तोड़ गोलियों से वार कर बदमाशों ने पार्षद की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश वहां से फरार हो गए। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल गया। पार्षद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस जांच करने की बात कह रही है। और बदायूं हजरतपुर गांव के भाऊ नगला निवासी कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हजरतपुर में बाइक सवार दो बदमाशों ने कपड़ा लेने के बहाने राकेश गुप्ता की कपड़े की दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल भिजवाया। डॉक्टर्स ने वहां पर युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। इधर गाजियाबाद में युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोग नाराज हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है, धमकी आरोपियों ने जो दी है वो उसका ऑडियो वर्ल 25 अगस्त को खेल खेल में जो विवाद हुआ उसमें जान चली गई। और गाजियाबाद में नगर निगम और एक विज्ञापन कंपनी सवालों के घेरे में है। नगर निगम पर आरोप है कि उसने 100 रुपए के स्टाम्प पर 250 करोड़ के टेंडर का करार कर लिया। कंपनी पर अब स्टाम्प चोरी का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नगर निगम से ठेके के लिए अनुबंध करके 5 करोड़ रुपए के स्टाम्प की चोरी की। इसके बाद विज्ञापन कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। दरअसल विज्ञापन कंपनी के अनुबंध को लेकर सवाल उठे। डीएम ने जब इसकी जांच कराई तो 4 करोड़ से ज्यादा के स्टाम्प शुल्क में कमी पाई गई, साथ ही निबंधन शुल्क में भी 1 करोड़ रुपए की कमी पाई गई।
इस रिपोर्ट के बाद कंपनी पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मामले में नगर निगम के अधिकारी भी सवालों के घेरे में। इस बीच नगर आयुक्त महेंद्र सिंह की माने तो स्टाम्प मामले से कोई लेना देना नहीं है और टेंडर नियमों के हिसाब से ही किया गया। चार करोड़ से ज्यादा की कमी मिली है स्टाम्प शुल्क में। पहला तो यह है कि यह टेंडर जो दिया गया है 15 साल का हो ही नहीं सकता। गाजियाबाद इसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम नियमावली 1949 में बिल्कुल क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ है कि धारा 305 में कि कोई भी विज्ञापन जो दिए जाएंगे वो 2 साल से ज्यादा नहीं होंगे। 2 साल के बाद उनका रिन्यूअल दोबारा से किया जाएगा। इसे 15 साल का देने का कोई मतलब नहीं। जब उसमें 2 साल बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है तो 15 साल का क्यों कर रहे हो? इससे आपकी जो निष्ठा है या आपकी जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध के घेरे में आती है। इस गड़बड़ करके कुछ ना कुछ किया जा रहा है। कुछ मुझे लग रहा है अफवाहों को हवा दी जा रही है। जो 305 सेक्शन कहता है वो उसका हवाला देते हैं, जबकि उस सेक्शन के तहत कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। सेक्शन 129 के तहत हम लोगों ने दिया है, बिल्कुल उसको विधिवत तरीके से दिया गया। कंपनी ने काम शुरू कर दिया है जबकि भौतिक कब्जा नहीं दिया गया है। नहीं, भौतिक कब्जा ऑलरेडी हम लोग जो है उसको दे चुके हैं। रजिस्ट्रेशन पीरियड 8 महीने का है, वो 8 महीने का टाइम में अपना जो काम है वो कम्प्लीट करेंगे, उसके बाद उनका जो है एग्रीमेंट का टाइम वो स्टार्ट होगा। आखिर कोई कैसे 15 साल का एक साथ टेंडर छोड़ सकता है? हम बात कर रहे हैं विज्ञापन को लेकर। शहर के नगर निगम के जितने भी पोल हैं अब उस पर एक कंपनी को 15 साल तक के लिए टेंडर छोड़ा है गाजियाबाद नगर निगम ने। अगर बात करें 15 साल की तो 15 साल में 3 सरकारें बदलती हैं, लेकिन इसी एक सरकार में गाजियाबाद के नगर आयुक्त ने कर दिया है 15 साल के लिए एक ही कंपनी को टेंडर जारी। बताया ये जा रहा है कि 250 करोड़ रुपए 15 साल में इस कंपनी को करने होंगे गाजियाबाद नगर निगम में जमा। लेकिन एक गड़बड़ झाला सामने आया है कि 100 रुपए के स्टाम्प पर गाजियाबाद नगर निगम ने कर दिया 250 करोड़ रुपए के टेंडर का गड़बड़ झाला। आईजी स्टाम्प का ये कहना ये स्टाम्प की चोरी है और इसमें गाजियाबाद नगर निगम दोषी है। तो 100 रुपए के स्टाम्प पर इतना बड़ा खेल आखिर कैसे हो सकता है, ये देखने वाली बात है। वहीं गाजियाबाद के नगर आयुक्त की अगर बात करें तो गाजियाबाद के नगर आयुक्त का ये कहना है कि हमने जो हमें कागज़ चाहिए थे वो हमारे पास पूरे किए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये करार किया था तो उसमें 100 रुपए का मात्र स्टाम्प लगाया था, जिसमें कि 5 करोड़ रुपए की स्टाम्प चोरी का मामला निकलकर सामने आया है। इसकी भी एक जांच होगी, लेकिन जो जांच पहले से ही गाजियाबाद नगर निगम में पेंडिंग चल रही है उनका ही कोई रिजल्ट नहीं आया। तो देखना यह है कि इस जांच का आखिर आगे होगा क्या। गाजियाबाद से बीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। स्टाम्प चोरी का सारा मामला अभी आपने देखा और समझा। वहीं एडवर्टाइजिंग कंपनी मामले पर एआईजी स्टाम्प के शर्मा ने कैमरे पर बोलने से तो इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनकी जो बातें कैमरे में कैद हुई उसके मुताबिक डीएम की ओर से उन्हें जांच सौंपी गई थी। इसके बाद उन्होंने सब रजिस्ट्रार को यह जांच सौंपी। जब उन्होंने नगर निगम में जांच की तो पाया कि इसमें निगम की तरफ से लापरवाही हुई है। निगम को इसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना चाहिए था, यानी नगर निगम सरकारी विभाग होकर जिस तरीके से स्टाम्प की चोरी कर रहा है उसका मतलब साफ है कि वो निजी कंपनी को फायदा पहुंचा रहा है। वहीं इस मामले में कंपनी को नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे पैसे जमा कराने के लिए कहा जाएगा। शिकायत हमको नियंत्रण भेजा, हमने सब रजिस्ट्रार को भेजा, हमने होता नहीं है अमूमन नगर निगम ऑफिस होता नहीं है ना वैसे। हाँ, कायदे में नगर निगम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि जो सरकारी विभाग जो भी काम करते हैं तो वहाँ हम तो रिपोर्ट लेके ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा मतलब होना तो सर कराया नहीं नहीं, अब कॉन्ट्रैक्ट तो मान ही होगा, इस टाइम जमा ही कराना पड़ेगा। एक तरह से मुकदमा कराना ही पड़ेगा, कोई कार्रवाई नहीं है, बस हम ये है कि नहीं तो आपका निरस्त माना जाएगा। नहीं है, निरस्त नहीं होगा, निरस्त कोई है ना भाई, समझे ये अगर नहीं कराते तो निरस्त ही है ना। नहीं, निरस्त नहीं होगा, ये है वो राशि देनी ही होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखनाथ विश्वविद्यालय के विजिटर रजिस्टर में व्यक्त किए अपने विचार।
उन्होंने विश्वविद्यालय के स्वर्णिम भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है। ये देखिए अपने हाथों से उन्होंने शुभकामना संदेश लिखा विजिटर्स रजिस्टर बुक में। आखिर में साफ साफ पढ़ा सकता है विश्वविद्यालय के स्वर्णिम भविष्य हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राजनीतिक दल और नेताओं का रंग भी बदल रहा है। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में बाहुबली विधायक और बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी ने अपने बेटे के साथ पार्टी की सदस्यता ली है और इसके साथ ही अंबिका चौधरी ने भी बेटे के साथ घर वापसी की। मुलायम सिंह यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अंबिका चौधरी लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे, अब वो फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं दूसरी ओर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर के बीच भी मुलाकात हुई है।